नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो जरूर वो आपको मिलेगी। तो अपनी सफलता, अपनी मंजिल को पूरी दिल से चाहो और लगातार उसके लिए प्रयास करते रहो, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, या फिर जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए? तो दोस्तों, इसका अपना राइट आंसर होगा, जो रडार होता है उसका उपयोग जहाजों एवं वायुयानों में किया जाता है, उनका पता लगाने के लिए और मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है। तो बी इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे का अपना क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? ब्रह्मांड है वो निरंतर प्रसारित हो रहा है, ये प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों, ये प्रमाण जिसने सर्वप्रथम दिया था वो थे एडविन हबल ने सर्वप्रथम ये प्रमाणित किया था कि ब्रह्मांड है वो निरंतर प्रसारित होता रहता है। आगे का क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? इसके हमें ऑप्शन दिए हैं, न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, या फिर कोपरनिकस ने। तो दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम है वो केपलर ने प्रतिपादित किया था। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केपलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है फिर भी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? सबसे पहले ये किसने बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं? तो दोस्तों, ये सबसे पहले जिसने प्रमाणित किया था वो थे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ये सबसे पहले प्रमाणित किया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हमें ऑप्शन दिए हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारे व सूर्य है वो निरंतर किस कारण ऊर्जा देते रहते हैं? सूर्य हमें किस कारण निरंतर ऊर्जा देता रहता है? उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? किस कारण सूर्य में ऊर्जा है वो बनती रहे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण तारे तथा सूर्य हैं वो हमें निरंतर ऊर्जा देते रहते हैं। सूर्य हमें निरंतर ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के कारण देता है। आगे का क्वेश्चन है कि तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तारों व आकाशगंगाओं का व्यास किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर है इसका उपयोग तारों तथा आकाशगंगा का जो व्यास होता है वो मापने में किया जाता है। इंटरफेरोमीटर का उपयोग तारों तथा आकाशगंगा का व्यास मापने में किया जाता है। आगे है फिर दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। दो ऐसे कौन से ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है? जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी का चंद्रमा है वो उपग्रह है। उपग्रह वह ग्रह होते हैं, वे छोटे ग्रह होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ग्रह की कक्षा, तो वो उपग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा बुध व शुक्र। बुध व शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सबसे अधिक जो उपग्रह हैं वो बृहस्पति ग्रह के हैं। बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह भी है और इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, यानी सबसे ज्यादा चांद किसके हैं?
बृहस्पति के सबसे ज्यादा चंद्रमा है, यानी सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। अगला है कि निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? हमें ऑप्शन दिए हैं बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। तो भोर के तारे के नाम से जिस ग्रह को जाना जाता है वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र ग्रह है ये तारे की तरह टिमटिमाता हुआ नजर आता है और इसको संध्या का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा भी कहा जाता है। तो भोर का तारा और संध्या तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे लाइक कमेंट जरूर कीजिए तथा शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर आप सारे वीडियो देखोगे तो आप वो सारे क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे और निरंतर हम इसी प्रकार से विज्ञान के सारे क्वेश्चन है वो करते रहेंगे। मिलते हैं कल वापस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।